नमस्कार दोस्तों, मैं टेक्निकल जंक्शन हिंदी से आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन हिंदी। तो मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं पेंटा PKB 339 का मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं यहां पे मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। ये मैंने बस टाइपिंग के लिए लिया है, क्योंकि कीबोर्ड में थोड़ा हमारा जो कीपैड है लैपटॉप का, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने ये अनबॉक्सिंग करने के लिए लाया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं स्ट्रीमलाइंड एंड ह्यूमन इंजीनियरिंग डिज़ाइन एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं पेंटा का ये कीबोर्ड, इसका जो स्टाइल है वो बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, तो मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि ये कैसा लुक में है। और इसका पहले मैं आपको डिटेलिंग दे देता हूँ कि इसका क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या है इसका। जैसे कि मैंने आपको मॉडल नंबर बताया पेंटा का, ये PKB 339 का ये मॉडल नंबर है, मॉडल नेम है। और साइज की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड लिखा हुआ और यहाँ मॉडल नंबर लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस साइड की बात करें तो इस साइड भी जस्ट वैसा ही कुछ लिखा हुआ है। और बैक की बात करें तो बैक में आपको लिखा हुआ है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। जो भी आप लेंगे तो पूरा फीचर्स यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स का फीचर्स दिया हुआ है कि इसका क्या क्या एडवांटेज है। तो और यहाँ पे स्ट्रीम लाइन का या फिर क्या यहाँ पे भी डिटेलिंग दिया हुआ है। ये जो मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ अनबॉक्स करके इसका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका प्लास्टिक केस में यहाँ पे इसका रखा हुआ है। और इसमें आप इसमें केबल की बात करें तो ये ब्लैक कलर की आ रही है, इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। ये इसकी बात करें तो ये ब्लैक कलर में आ रही है। और इसकी केबल की बात करें तो केबल की जो लेंथ है अप्रोक्स, आपको ये केबल की लेंथ की बात करूँ मैं आपको, तो जैसे कि मैं आपको हमेशा एक डिटेलिंग देता हूँ केबल की क्या लंबाई होगी, जो आपकी लैपटॉप या फिर आप कहीं बैठे हो या फिर आपकी स्क्रीन कहीं रखी हुई और आप यहाँ पे बैठ के काम करोगे, तो अप्रोक्स ये आपको 1.5 मीटर का ये मिल जाता है। और ये जो इसकी केबल की जो थिकनेस है ये 3.5 की है, ये आपको 3 mm की ये आपकी थिकनेस है वायर की। और ये आपको USB का कीबोर्ड, USB का ये केबल है, तो जो आप लैपटॉप में भी काम कर सकते हो और आप कहीं से भी अपना ये बैठ के कीबोर्ड का काम कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जैसे हर कीबोर्ड में ये जो बटन्स आप देख रहे हैं तो ये आप होता है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया मल्टीमीडिया है, तो मल्टीमीडिया में एक फीचर्स ये होता है कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम का देख रहे हैं, यहाँ पे आपको वॉल्यूम हाई करने का है, म्यूट करने का है, फॉरवर्ड करने का है, और यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का। और ये यहाँ से पूरे सिस्टम को ऑन ऑफ करने का, ये कीबोर्ड का जो फंक्शंस है उसको ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे आप मैसेज वगैरह देखने के लिए। तो अगर आप इसको टाइप करते हैं तो आपका जो मैसेज होगा वो आप देख पाएंगे। तो इसके वजह से ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड का इसका नाम दे दिया गया है, क्योंकि इसमें एडिशनल 8 जो कीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जो 8 कीज़ हैं, इसके वजह से ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसके जो प्रेस करने के बाद जो इसकी साउंड है, ये सिर्फ स्पेस की जो साउंड होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन बटन्स की बात करें तो इसकी जो बटन्स है वो बहुत ही स्मूथ हैं और बहुत ही अच्छे से प्रेस कर पाएंगे आप। जब आप इसमें टाइप करेंगे तो आपका हमेशा बहुत ही अच्छा, एक जो फिंगर में ये होता है प्रॉब्लम जो होती है, कोई कोई बटन बहुत टाइट होती है, या फिर इसमें जो काम करने की जो आपको अगर टाइपिंग करने की प्रैक्टिस होगी तो बहुत अच्छे से आप इसमें काम कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको बता दिया, तो इस प्रोडक्ट को आप देख पा रहे हो, चलिए इसको मैं यूज़ करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या एडवांटेज हो गई हमारे, या फिर ये अच्छा है। लेकिन मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये अच्छा ही है। तो अगर आपको ये लेना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे ये लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से ले सकते हो। और पीछे में बात करें तो इसके पीछे की कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और वोल्टेज 5 वोल्ट का है। और अगर आप इसमें ये चीज़ अगर करते हैं, अगर आप ये फ्लैट होता है तो आप इसको खड़ा करके, स्टैंड खड़ा करके इसको थोड़ा सेमी वर्टिकल ऐसे करके आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पीछे में मैंने आपको ये स्टैंड दिखाया, स्टैंड से आप ऐसे सीधा करके इसको आप लिख के थोड़ा सेमी वर्टिकल करने के बाद क्या होता है, थोड़ा आराम होता है टाइप करने में, तो जैसे आपने देखा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।